मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। अनुपम खेर एक बार फिर से अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे हैं। एक्टर ने इस मौके का शानदार वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में वो हजारों की संख्या में वहां मौजूद लोगों से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर अनुपम खेर ने जहां भारत माता के नारे लगाए, वहीं माइक उठाकर गाते हुए माहौल को पूरा देशभक्ति वाले रंग से रंग दिया। अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए काफी बड़ा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे भारतवासियों, प्रभु की कृपा से अब तक के बिताए जीवन में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब मैंने गर्व महसूस किया है, कभी अपनी उपलब्धियों पर और कभी देश की। पर जो भावना अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आती है, उसका शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। जब हजारों भारतीय एक साथ तिरंगे को देखकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो शरीर का हर रुआ देशभक्ति के भाव से जाग उठता है। थैंक यू DID संजय गौर और आपकी BSF पंजाब की पूरी टीम उस प्यार और अपनेपन का एहसास देने के लिए। इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद होना ही सम्मान और सौभाग्य की बात थी। जय हिंद। अनुपम खेर इस मौके पर BSF जवानों के साथ दर्शकों के सामने नजर आए। उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए गाना भी गाया। उनके साथ वहां मौजूद पूरी भीड़ गाती नजर आई। वीडियो में वहां मौजूद लोग इस मोमेंट को खूब एंजॉय करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अनुपम यहां पहली बार पहुंचे थे, इससे पहले भी अनुपम खेर अटारी वाघा बॉर्डर पर नजर आ चुके हैं। पिछले साल नवंबर में भी अनुपम खेर इस सेरेमनी का हिस्सा रहे थे। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा था, आज अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होने का मौका मिला। मेरे शरीर का हर रोम और लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान गूंज उठा है। पूरे वातावरण की ऊर्जा समस्त देश में महसूस की जा सकती है। हर भारतीय को जीवन में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। जय हिंद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी जगह यहाँ खड़े होकर अपने आप ही इंसान नतमस्तक हो जाता है और प्यार से और गर्व से हमारा जो सर वो झुक जाता है। भारत के सैनिकों के लिए, BSF के जवानों के लिए, BSF के ऑफिसर के लिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम भारतीय हैं।